आज हम लोग स्क्वायर करने का ट्रिक देखेंगे। आपको स्क्वायर करने के लिए जिस नंबर के आखिर में 5 और 0 हो उसका आसान हम लोग तरीका सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 नंबर तक टेबल अच्छे से आना चाहिए, तो आपका स्क्वायर करने का ट्रिक जो है आसान से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग 5 अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको मालूम है 5 का स्क्वायर होता है 25। लेकिन अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इसे याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसके ट्रिक ये है कि हमें सबसे पहले ये 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, लिख देंगे 25। अब यहां पे नंबर कौन सा है? 1। तो 1 के बाद नंबर कौन सा आता है? 2। तो 1 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 है और 1 के बाद वाला नंबर आता है 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 2, तो यहां लिखेंगे 2। इसका मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अगर मैं 25 का करता हूं स्क्वायर, तो यहां पे सबसे पहले जो करना है 5 का स्क्वायर, तो वो होता है 25। तो मैं यहां लिख दूंगा 25। तो यहां पे नंबर कौन सा है उसके बाद? 2 है। तो 2 के बाद नंबर कौन सा आता है? 3। तो 2 को बाद वाला नंबर यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। तो यहां पे लिखूंगा 6, तो ये हो जाएगा 625। मान लीजिए मैं 35 का कर रहा हूं, 35 का स्क्वायर, तो यहां सबसे पहले स्क्वायर करूंगा 5, तो ये हो जाएगा 25। नंबर कौन सा? 3। 3 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 4। तो 3 4 जो हो जाएगा यहां पे 2। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यही इसका स्क्वायर का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 45 का। 45 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले आपको करना है 5 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 25, और 4 के बाद जो नंबर आता है वो होता है 4 5 है 20, तो यहां पे हो जाएगा 20। इसका जवाब है 2025। मान लीजिए मैं 55 का कर रहा हूं, मुझे याद नहीं, लेकिन ट्रिक के जरिए आसानी तरीके से हो सकता है। 5 का पहले स्क्वायर करना है, इसका मतलब हो जाएगा 25। अब 5 के बाद नंबर कौन सा आता है? तो 6। तो 5 6 जो हो जाएगा 30, इसका जवाब आएगा 3025। अब हम लोग यहां पर देखते हैं 65 का। 65 का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 के बाद नंबर कौन सा आता है? 7। तो ये हो जाएगा 4225। अगर मैं 75 का करता हूं, आपको यहां देखेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 7 के बाद नंबर कौन सा आता है? तो 8। तो 7 8 7 8 का होता है 56, तो ये हो जाएगा 5625। अगर मैं 85 का स्क्वायर करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 8 के बाद नंबर कौन सा आता है? 9। 8 9 72। अगर मैं 95 का स्क्वायर करता हूं तो यहां पे फिर लूंगा 5 का स्क्वायर 25। 9 के बाद नंबर कौन सा आता है? 10। 9 10 90, इसका जवाब आएगा 9025। अभी हम लोग देखेंगे जिस नंबर के आखिर में 5 रहेगा उसको हम लोग किस तरीके स्क्वायर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिस नंबर के आखिर में 0 रहेगा उसका स्क्वायर करने का तरीका। मान लीजिए आप 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां पे सबसे पहले ये करना है कि 0 का 2 बार लिख देना है स्क्वायर करने में, और यहां पे नंबर कौन सा है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यहां पे लिख देंगे 1। अगर मुझे 20 का करना है तो 0 फिर यहां पे 2 बार लिखा जाएगा, और फिर ये नंबर का स्क्वायर क्या होता है? 4, यहां 4 लिख दीजिए। अगर मुझे 30 का स्क्वायर करना है तो यहां पे 0 फिर 2 बार लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो ये हो जाएगा 900। अगर 40 का स्क्वायर करना है
तो यहाँ पे फिर दो बार जीरो लिखा जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये जाएगा 1600। अगर 50 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर दो जीरो लिखा जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 60 का स्क्वायर करना है अगर, तो यहाँ पे भी दो जीरो लिखा जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अगर 70 का स्क्वायर करना है तो ये यहाँ भी दो जीरो लिखा जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49।